सरकार बहुत बुरा बर्ताव कर रही है और आप लोग यहाँ देश के बिल्कुल धड़कन के बीच में आप आवाज लगा रहे हो। हम सब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तेज दिल से आपके साथ हैं और जितनी हमारी कोशिश होगी गोरखालैंड अगर आपके साथ, देखिए गोरखाओं की वीर गाथा हमेशा हमने सुनी है, हमने गोरखा सैनिकों को सुना है, देखा है कि वो इतने बड़े वीर योद्धा होते हैं कि उन्होंने बहुत करगिल की लड़ाई हुई हो या भारतीय बॉर्डर की बहुत सारी लड़ाई हो उसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अगर आपके साथ इस तरह अत्याचार हो रहा है यकीन मानो तेज दिल से हम आपके साथ हैं, आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, कोई ऐसी ताकत आपके खिलाफ अत्याचार करने नहीं कर सकती। ये प्रजातंत्र है भाइयों, यहाँ जनता चलती है और आप लोग आवाज उठाओ, हम आते रहेंगे आपके साथ, हम कोशिश करेंगे ये उत्तर भारत भी आपके साथ लगेगा और गोरखाओं की जो शौर्य गाथा हमेशा चलती आई है वो हमेशा बुलंद होगी। अन्याय नहीं होने देंगे मेरे भाई, घबराने की आवाज नहीं है, गोरखा भी पूरा देश आपके साथ है, जहाँ भी अत्याचार होता है अगर किसी के साथ देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आवाज उठाओ। तेजल से मैं फिर आपको नमन करता हूँ सर झुका कर आपके संघर्ष गाथा को। और मीडिया वालों मैं कह रहा हूँ आप वास्तव में ब्रह्मा की तीसरी आंख है, जिस पे आप टिक गए उसका बेड़ा पार, इस तीसरी आंख को खोल दो, इस नेत्र को और दिखा दो, ये भी चार आदमी बैठे हुए हैं इनकी भी कोई आवाज है, दिखा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी आवाज को मत दबाओ जो अत्याचार की आवाज हो, ऐसी आवाज को दबाने का काम मत करो। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज हमेशा बुलंद हो, आपकी मांग सब प्रबल हो, मोदी सरकार सुन ले, अब सुने ना सुने पता नहीं मोदी जी कि आप लोग लगे हुए हो, इंटरनेशनल लेवल पर तो सुन रहे हैं आप लोगों को, सुनेंगे ना सुनेंगे ये देखो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग संघर्ष करो, कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में ताकत होती है, बूंद बूंद समुद्र को भरता है, चार लोग हजार लोग में बदलेंगे, हजार लोग लाखों में करोड़ों में, जिस तरह हमने दुनिया को बदलने देखा है, समुद्र मंथन हुआ था वहां कुछ नहीं निकला था, एक हल्का सा वो अमृत निकला था, वो अमृत के अंदर एक ताका एक मंत्र था, उस मंत्र को जिसने साथ ले लिया हमेशा उसकी विजय हुई है, कभी वो पीछे नहीं रहा, इसलिए भाइयों हम आपके साथ हैं, आपके खिलाफ होने नहीं देंगे, जहां हमारा दिल है देश दिल से कहीं ना कहीं देश के रक्षक गोरखाओं को गोरखालैंड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब बहुत सारे लैंड हो गए तो गोरखालैंड में क्या परेशानी नहीं है, जोर से बोलो, इतनी ताकत इतना जुनून हो जाना चाहिए मेरे भाई कि आपकी आवाज इसी नहीं उस लोग तक भी सुनाई दे, आने वाली पीढ़ी आपकी इस उपलब्धि को सर माथे उठाए और आपके सम्मान में हमेशा गाथाएं हो। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद आपको बहुत बहुत।